इस सीजन में मुझे लगता है कि सना मकबूल के रूप में जो है पिछले सीजन ओटीटी सीजन 2 की जिया शंकर लौट आई है। हालांकि जिया शंकर मुझे कभी भी बुरी नहीं लगी, मैं हमेशा जो है जिया शंकर की उनकी खूबसूरती के लिए और ड्रेसिंग सेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मैंने हमेशा तारीफ की पिछले सीजन। इस बार जो है सना मकबूल भी वैसी ही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो खूबसूरत है, ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है और मैं बातें भी सना मकबूल के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी करती भी हूँ। पर पिछली बार भी जिया शंकर की वही बातें मुझे बुरी लगी थी, जिन बातों के चलते चलते जो है जिया शंकर के ऊपर गुस्सा आता था कि वो दोस्त दोस्त तो बोलती थी पर दोस्त दोस्त कह कह के जो है अपने दोस्त को कुएं में ढकेल देती थी। अब जो है नॉमिनेशन हुआ, नॉमिनेशन टास्क हुआ, नैजी के सामने अगर देखा जाए, नैजी और कृतिका थे सामने, लवकेश और सना मकबूल वहां पर कन्फेशन रूम में गए। अगर चाहती सना मकबूल तो वो अपना स्टैंड ले सकती थी। उसने स्टार्टिंग में ही काफ़ी हंस के, नहीं और मेरा दोस्त है, नहीं और ऐसा है, इस तरीके से जिस वे में बात की तो उसके कोई भी चीज़ें जो है स्ट्रांग नहीं लगी कि आप स्ट्रांग बात कर सकते थे। जैसे कि ये सब चीज़ें होने के बाद जो है सना मकबूल ने रणवीर तक को चुप करवा दिया डिस्कशन रूम में बैठ के, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग ऑरा जो है वहाँ पर सना मकबूल का लगा। मज़ा आ गया उस वक्त जब वो रणवीर की बोलती बंद करवा रही थी, सब पॉइंट्स बोल रही थी, तो इतनी ही स्ट्रांगली जो है वो कन्फेशन रूम में बैठ के जो है ये बात ज़रूर कर सकती थी कि नहीं मैं नेजी को नहीं करूँगी, नेजी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वैसे भी लव अगर सामने विशाल होता तो मैं ये सब चीजें समझती, पर तुझे जो है अब मेरे दोस्त को बचाना पड़ेगा और कल को अगर कुछ ऐसी चीज हुई तो मैं तेरे साथ जरूर खड़ी रहूंगी क्योंकि मैं भी तेरी दोस्त हूं और वो भी मेरा दोस्त है। क्योंकि कृतिका इतनी भी खास दोनों की नहीं है, ना तो लवकेश की है ना तो सना मकबूल की है, तो वो कहीं ना कहीं कृतिका के नाम पे आ सकते थे अगर सना मकबूल जो है स्ट्रांगली डिसीजन लेती। तो यही चीजें जो है मुझे जिया शंकर की पसंद नहीं आती थी और इसीलिए जो है मैं काफी ज्यादा बुरा भला जो भी बातें होती थी मैं बोलती थी और काफी ज्यादा जो जिया शंकर के फैंस थे वो मुझे बुरा भला बोलते थे। तो अब जो है इस सीजन में कहीं ना कहीं जिया शंकर का रूप जो है सना मकबूल में दिखाई दे रहा है मुझे। और एक बात है कि जब ये सब चीजें हो गया, जैसे कि मैंने बोला कि नेजी जो है कहीं ना कहीं सना मकबूल को पसंद करता है और सना मकबूल भी इस चीज को फील कर रही है मे बी, शायद क्योंकि लड़कियों को प्यार जो है बहुत जल्दी फील हो जाता है, केयर जो है बहुत जल्दी फील हो जाती है, और जब कोई साइलेंट रहता है इंसान और फिर भी बोलता है कि चल तूने गलती कर दी, चल मैंने माफ कर दिया, तुझे जाने दे दिया, पर अंदर दर्द है, तो सच्चे दिल वाली लड़की जो है वो रो ही पड़ती है। तो यहां पर सना मकबूल जिस तरीके से रो रही थी, उसको रोते हुए देख के जिस तरीके से जो है नेजी की आंखों में आंसू आ गए, तो ये कोई लव सीन से कम नहीं लग रहा था भाई, ये लव सीन से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि दो प्रेमी जो है वो तड़प रहे हैं एक दूसरे के प्यार में और एक से गलती हो गई और दूसरा कुछ बोल नहीं पा रहा और दूसरे को बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा है। ये एक दोस्ती नहीं, एक प्यार का एंगल जो है फील हो रहा था मुझे। पर फिर भी इन दोनों की आज मैं इस तरीके से बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे फील होता है और मुझे जो है इस यूट्यूब इंडस्ट्री में सबसे पहले जो है फील हुआ था मनीषा और फुकरा इंसान के बीच में कनेक्शन। तो आपने और हमने मिलके काफ़ी ज़्यादा उनके बारे में बातें की और काफ़ी प्यारी प्यारी बातें की, और जिनके बीच में फील नहीं हुआ यानी कि जिया और फुकरा इंसान के बीच में जो फील नहीं हुआ उनके बारे में भी बात की। तो आज जो है नैसी कहीं ना कहीं सना मकबूल को प्यार करता है और उसके प्यार के चलते हुए उसको ठेस बहुत लगी और इसीलिए रो पड़ा। लड़का इतनी जल्दी नहीं रोता है किसी के लिए, कुछ तो है दिल में इसीलिए रो पड़ा। क्या कहती है जनता, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।